दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल नेट एडो पर दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आ, मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि शहरीकरण से आप क्या समझते हैं शहरीकरण में वृद्धि के कारणों पर चर्चा करते हुए समाज पर पड़ने पर वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए तो इस क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि शहरीकरण से संबंधित है कोई आवश्यक नहीं है कि यह यूपीएससी के लिए ही है बल्कि किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप यह उत्तर लिख सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं और क्या है शहरीकरण तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि शहरीकरण क्या है ठीक है उसके बाद हम लोग उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे कि शहरीकरण के प्रभाव और उससे उत्पन्न समस्याओं के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग इसमें बताएंगे तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शहरीकरण क्या है तो शहरीकरण क्या है तो शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार मसलन क्षेत्रफल जनसंख्या जैसे कारकों का विस्तार शहरीकरण कहलाता है शहरीकरण यानी नगरीकरण जैसे नगरीकरण और शहरीकरण में कोई अंतर नहीं है नगरीकरण को ही शहरीकरण कहा जाता है ठीक है तो शहरीकरण क्या है तो शहरों में वृद्धि या शहरों में जनसंख्या में वृद्धि ठीक है दो तरह से आप समझ सकते हैं कि शहरीकरण किसे कहते हैं जैसे दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ पहला तो ये शहर है ठीक है और इस शहर में अगर जनसंख्या की वृद्धि होती है या इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो इस सभी में वृद्धि अगर इसमें होती है तो इसको कहेंगे शहरीकरण ठीक है किसी एक शहर में अगर वृद्धि होती है तो इसको कहेंगे शहरीकरण ठीक है और अगर शहरों की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है मतलब शहरों में शहरों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे शहरीकरण मतलब दो तरह का शहरीकरण हुआ एक हुआ कि शहर में जनसंख्या की वृद्धि और दूसरा हुआ कि शहरों की संख्या में वृद्धि ठीक है जैसे एक शहर था दूसरा शहर बन गया फिर कोई और शहर बन गया तो ये भी शहरीकरण हुआ ठीक है और कोई अगर एक शहर है उसमें जनसंख्या की वृद्धि होने लगा या उसमें और चीज़ें बढ़ने लगी तो उसको भी हम लोग कहेंगे शहरीकरण ठीक है ये दो तरह से आप समझ सकते हैं अब चलिए शहरीकरण भारत समेत पूरी दुनिया में होने वाला एक वैश्विक परिवर्तन है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और वहाँ काम करना भी शहरीकरण है जो गांव के लोग शहर में जाकर के काम करते हैं वो भी एक शहरीकरण ही है अगला टॉपिक है नवीन भारत यानी न्यू इंडिया पहल को आगे बढ़ाने की दिशा में शहरी बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए शहरीकरण के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने का प्रक्रिया अपनाई जा रही है अब हम लोग आगे अगला टॉपिक जानते हैं कि शहरीकरण क्षेत्र के यानी शहरी क्षेत्र के मानक क्या हैं। जैसे किस आधार पर माना जाए कि हाँ ये शहरी क्षेत्र है ये शहरीकरण है तो देखिए इसके बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे चार टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें पहला टॉपिक है कि भारतीय समाज में किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र माने जाने के लिए आवश्यक है कि, कि किसी मानव बस्ती की आबादी में पाँच हज़ार या इससे अधिक निवास करते हों ठीक है इससे अधिक व्यक्ति निवास करते हों मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर पाँच हज़ार या इससे अधिक व्यक्ति निवास करते हैं तो उसको कहेंगे शहरी क्षेत्र या अगला पॉइंट है कि इस मानव आबादी में कम से कम पचहत्तर परसेंट लोग गैर कृषि व्यवसाय में संलग्न हो ये भी एक कंडीशन है कि जितने लोग मतलब निवास करते हैं उसमें उसका पचहत्तर प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसाय करते हों मतलब कृषि नहीं करते हों कोई व्यापार करते हों या कोई और करते हों और काम करते हों मतलब वो कृषि नहीं करते हों ठीक है अगर कृषि करने वाले लोग होंगे ज़्यादा तो वहाँ पर वो गाँव कहेगा गा, ठीक है कहलाएगा अब अगला पॉइंट है कि जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए मतलब तो जनसंख्या घनत्व है जो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी एक वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति होने चाहिए तभी यह शहर कहलाएगा अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं मसलन उद्योग बड़ी आवासीय बस्तियां बिजली और सार्वजनिक परिवहन जैसी व्यवस्था हो तो इसे शहर की परिभाषा के अंतर्गत माना जाता है ठीक है मतलब किसी भी क्षेत्र को शहर मानने के लिए इन चारों कंडीशन का होना बहुत ही जरूरी है ठीक है तभी वह शहर कहलाएगा वरना वो शहर नहीं कहलाएगा अब चलिए हम लोग जानते हैं कि भारत में शहरीकरण से संबंधित आंकड़े क्या क्या हैं। तो आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 तक भारत की आबादी का सॉरी सताइस दशमलव आठ एक प्रतिशत हिस्सा शहरों में रहता था वर्ष 2011 तक यह इकतीस दशमलव एक और वर्ष 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर तैतीस दशमलव प्रतिशत हो गया मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से शहरीकरण हो रहा है वर्ष 2001 की जनगणना में शहर कस्बों की कुल संख्या 5,161 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 7,936 हो गई है मैंने बताया था शहरीकरण की परिभाषा में कि अगर शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है सॉरी शहरों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो उसको हम भी हम लोग शहरीकरण कहेंगे जैसे यहाँ पर पाँच हजार एक सौ इकसठ शहर थे ठीक है और पाँच हजार एक सौ इकसठ शहर थे यहाँ पर और यहाँ पर बढ़ कर के हो गए सात हजार नौ सौ छत्तीस ठीक है तो ये भी एक शहरीकरण ही हुआ मान लीजिए कोई गांव है ठीक है एकदम आसान भाषण समझाता हूँ आपको अगर कोई गांव है तो उसमें सेवाएं बढ़ने लगी जनसंख्या बढ़ने लगी और क्या हुआ गैर कृषि व्यापार सब लोग करने लगे गैर कृषि व्यवसाय करने लगे कृषि धीरे धीरे वहाँ पर ख़त्म होने लगी तो उसको हम लोग कहेंगे शहरीकरण ठीक है उसको हम लोग कहेंगे शहरीकरण जिससे कि यह गांव जो है शहर में परिवर्तित हो गया ठीक है शहर में परिवर्तित हुआ तो उसी को हम लोग कहेंगे शहरीकरण एकदम सिंपल भाषा अब देखिए संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ठीक है संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की आधी आबादी शहरों में रहने लगी है और वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी मतलब संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है एक न्यू रिपोर्ट आई है कि वर्तमान में विश्व की आधी आबादी शहरों में रहने लगी है और वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी भी जो है महानगरों और शहरों में रहने लगेगी भारत में शहरीकरण की तेज जो शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर भी तब तक कुल आबादी का सत्तर प्रतिशत हिस्सा शहरों में निवास करने लगेगा ये विश्व जो संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट है अगला है टॉपिक बढ़ते शहरीकरण का कारण क्या है आखिर क्यों शहरीकरण इतना तेजी से बढ़ रहा है इतना तेजी से नगरीकरण क्यों हो रहा है तो चलिए पॉइंट पॉइंट हम लोग जानते हैं जिसमें पहला पॉइंट है कि नगरीकरण के बढ़ने का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है शहरों में आने वाले लोगों में अधिक संख्या नौकरी की तलाश करने वालों की है न कि बेहतर नौकरी पाने वालों की तथा बाहर से आने वालों में बेरोजगारी की दर अपेक्षाकृत कम है अब जैसे देखिए ये पॉइंट क्या, क्या कह रहा है कि शहरीकरण बढ़ने का मुख्य कारण क्या है जो गांव के लोग होते हैं वो शहर में जाते हैं अपने रोज़गार के लिए ठीक है हालांकि उनको रोज़गार मिलता नहीं है वहां पर लेकिन वहां पर मतलब मिलता नहीं है रोजगार लेकिन वहां पर रोजगार के लिए जाते हैं तो जिससे वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है हालांकि रोज़गार सबको मिलता नहीं है लेकिन वहाँ की जनसंख्या तो बढ़ी बा? तो एक तरह से क्या हुआ शहरीकरण हुआ वहाँ पर नौकरी के तलाश में लोग रहने लगे ठीक है नौकरी नहीं मिला तो रहने लगे वहीं पर धीरे धीरे गरीबी तो इससे क्या हुआ आपने देखा होगा कि जो शहर में झुग्गी जो जो जिसको मलिन बस्ती कहते हैं ठीक है गंदी बस्तियाँ तो गंदी बस्तियाँ क्यों होती हैं वहाँ पर गंदी बस्तियाँ क्यों होती हैं तो जो गाँव से लोग जाते हैं वहाँ पर और जिनको रोज़गार नहीं मिलता है ठीक है तो रोज़गार उनको <coughs> नहीं मिलता है जिसके कारण होता यह है कि वो उनके पास पैसों की कमी होती है वो क्या करते हैं कि झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके जैसे रेलवे ट्रैक के बगल में या कहीं पर और भी रहने लगते हैं तो जिसके कारण और लोग जाते हैं और वहाँ पर और लोग रहने लगते हैं रोज़गार हालांकि मिलता नहीं है उन्हें लेकिन वो लोग वहीं पर धीरे धीरे रोज़गार की तलाश में रहने लगते हैं तो इसी के कारण गंदी बस्तियों का भी निर्माण होता है ठीक है जिसको मलिन बस्तिया भी कहते हैं अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं गांव से शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण वेतन दर तो है ही इसके अलावा दो अन्य प्रमुख कारण हैं, जो कि कम भूमि और परिवार का बड़ा आकार शहरीकरण प्रवासन के लिए जाति प्रथा भी एक महत्वपूर्ण कारक है अगला पॉइंट द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में तीव्र गति से सरकारी सेवाओं में विस्तार हुआ जो गांव से शहरों की ओर प्रवासन में एक प्रमुख उत्प्रेरक बना द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम स्वरूप उसमें जो है उसके बाद सरकारी सेवाएं बहुत सी आई तो उसके कारण भी लोग धीरे धीरे शहर में जाने लगे कि वहाँ पर हमें सरकारी सेवाएँ और ज़्यादा मिलेंगी तो इसलिए लोग शहर में धीरे धीरे जाने लगे अगला पॉइंट औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई अगला पॉइंट है शहरी क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा स्वास्थ्य और परिवहन की सुगम व्यवस्था आदि वहां पर होती है एक तो ये जानते हैं कि शहरी मतलब शहरी क्षेत्र में शहर में जो शिक्षा होती है स्वास्थ्य होती है परिवहन की सुविधा ये सभी काफ़ी मतलब आसान होती है वहाँ पर तो इसलिए लोग शहर में चले जाते हैं कि वहां पर सब कुछ व्यवस्था है सब कुछ सुविधा है जिसके पास पैसे हैं वो तो वहां पर जाएगा ही क्योंकि उसको सुविधा वहां पर ज्यादा मिल रहा है अगला पॉइंट है कि कृषि में होने वाले नुकसान की वजह से लोग कृषि छोड़कर रोजगार की तलाश में शहर आते हैं कृषि मंत्रालय के मुताबिक खेती पर निर्भर लोगों में से 40 फीसदी लोग ठीक है 40 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनको अगर विकल्प मिले तो वे तुरंत खेती छोड़ देंगे क्योंकि खेती करने में धन की लागत अब बढ़ती जा रही है अब जैसे गाँव में पहले खेती होता था तो बहुत सारे लोग जो है मजदूर होते थे यहाँ पर तो वो सभी खेती करते थे कम पैसे में खेती भी हो जाता था लेकिन अब क्या है कि मजदूरों की संख्या यहाँ पर घट रही है जो है गांव में तो गांव में मज़दूरों की संख्या घट रही है जिससे कम मजदूर बच रहे हैं और कम मजदूर बच रहे हैं तो उनकी जो वेतन है ठीक है मतलब ये कहें मजदूरी है वो लोग बढ़ा ले रहे हैं जिसके कारण मजदूर जो किसान है वो मजदूर लगा नहीं पा रहे हैं अपने खेतों में तो जिससे हो ये रहा है कि कृषि भी कम हो रही है और अगर कोई लगा भी रहे हैं तो उसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो इसलिए अगर उनको मौका अगर मिले तो वो जो है कृषि मतलब खेती बाड़ी छोड़ के वो सीधे शहर में ही चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं कृषि करने में कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है तो हालांकि वो मजबूरी के चलते भी किसी किसी भी होती है मजबूरी भी तो उस लिए वो जो है यहाँ पर गाँव में रहते हैं लेकिन अगर उनको मौका मिला तो वो शहर में तुरंत चले जाएँगे अब चलिए आगे वर्ष 1990 के बाद निजी क्षेत्र का विकास हुआ जिससे बड़े कारखाने व फैक्ट्रियों का विकास शहरों तथा महानगरों में ही हुआ। पंच पंचवर्षीय योजना में भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण को लक्ष्य बनाया गया था जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना थी उसको आ, मतलब उसमें ठीक है ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास अगर करना है बताया गया था उसमें कि आर्थिक विकास भारत का अगर आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए शहरीकरण करना होगा जिससे उन्होंने क्या किया शहरों में खूब व्यवस्था किया शहरों में जो है सरकारी योजनाएं लाए जिससे लोग क्या हुआ वहाँ पर पर अट्रैक्ट हुए और धीरे धीरे शहरों में ही जाने लगे जैसे शहरीकरण तेजी से होने लगा शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगा वहां पर उद्योग बनने लगा वहां पर जो है लोग ज्यादा रहने लगे ज्यादा काम होने लगा ज्यादा विकसित होने लगा वहां का शहर तो इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था भी थोड़ी बहुत सुधर गई अब चलिए हम लोग जानते हैं इतना तो समझ गए कि इसका कारण क्या है शहरीकरण का कारण क्या है अब हम लोग चले जानते हैं शहरीकरण से संबंधित समस्याएं क्या क्या है ठीक है समस्याएं क्या क्या हो सकती है शहरीकरण से देखिए पहला समस्या तो हो सकता है अति शहरीकरण भारत के अधिकांश शहर अति शहरीकरण के शिकार हैं इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब शहरी आबादी इतना बढ़ जाए कि शहर अपने निवासियों को अच्छा जीवन शैली देने में असफल हो जाए तो वह स्थिति अति शहरीकरण कहलाती है दूसरा समस्या है आवास और गंदी बस्तियों की समस्या जैसे मैंने बताया अभी जनसंख्या में हो रही वृद्धि ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है जिसमें आवास की समस्या प्रमुख है यह समस्या आवास की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में देखने को मिलती है जैसा मैंने बताया था कि शहर से जो लोग जाते हैं जो गरीब लोग होते हैं जो काम की तलाश में जाते हैं मजदूर लोग उनको काम वहाँ पर मिलता नहीं है तो वो क्या करते हैं झुग्गी झोंपड़ियाँ बना करके रहने लगते हैं क्योंकि उनके पास पैसे तो है नहीं कि वो बड़ा बड़ा घर बना दे तो वो झुग्गी झोंपड़ियाँ बना करके रहते हैं जिससे होता यह है कि गंदी बस्तियों मतलब गंदी बस्तियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं जैसे कोई एक गया वहाँ पर बस्ती बना करके रहने लगा ठीक है मान लीजिए कोई एक गया वहाँ पर बस्ती बना करके रहने लगा अब दूसरा भी गांव से जाएगा तो वो भी क्या सोचेगा उनको उसको भी काम नहीं मिला तो वो क्या करेगा उसके जस्ट बगल में ही बनाएगा ठीक है अपना घर तो वहाँ भी वो रहने लगेगा फिर ऐसे धीरे धीरे और लोग आएंगे अगर काम नहीं मिला तो वहाँ पर ही रहने लगेंगे ठीक है तो एक तरह से गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है गंदी बस्तियों में जो आ, मतलब वहाँ पर एकदम स्वास्थ्य से उनको कोई मतलब ही नहीं है ठीक है इस तरह से मतलब साफ़ सफाई से उनको कोई मतलब ही नहीं है इस तरह की बस्तियाँ होती है गंदी बस्तियाँ वहाँ पर ना कोई जो है शौचालय की सुविधा हो ना कोई मतलब समझिए कि सरकारी योजना वहाँ तक पहुँची ही नहीं है इस तरह से हो जाता है एक तरफ तो जो बड़ा शहर है जहाँ जो पर जहाँ पर विकसित है जो सभी वहाँ पर योजनाएं हैं सभी सुविधाएं हैं लेकिन एक वहीं पर शहर में एक गंदी बस्तियाँ भी हो जाती है जहाँ पर कि कोई सुविधा ही नहीं होती है वहाँ के लोग एकदम मतलब जिसको स्वास्थ्य से कोई मतलब ही नहीं है तो इस तरह के लोग हो जाते हैं तो उसी को गंदी बस्तियाँ कहते हैं ठीक है गंदी बस्तियाँ धीरे धीरे इसीलिए बढ़ने लगती है अब चलिए हम लोग जानते हैं अगला है आ, अगला जो समस्या है सामाजिक स्रा, सुरक्षा का अभाव तो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में आने वाले लोग अधिकतर गरीब होते हैं उनके पास किसी भी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है अगला है पारिवारिक विघटन शहरीकरण के परिणाम स्वरूप बड़े परिवार छोटे परिवारों में विभक्त हो गए हैं इसके अतिरिक्त परिवारों में विवाह विच्छेद विधवाओं का शोषण वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार की घटना में वृद्धि हो रही है अगला है समस्या निर्धनता ग्रामीण भारत गरीबी को छिपाने और उससे निपटने में ज़्यादा सक्षम है जबकि शहरी भारत में ऐसा संभव नहीं है ठीक है जबकि शहरी भारत में ऐसा संभव नहीं है शहरी गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग रोजगार की तलाश में अपना गांव छोड़ रहे हैं अब देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ जैसे मान लीजिए एक आदमी है जो गाँव में रहता है और एक आदमी है जो शहर में रहता है शहर वाला आदमी है तो क्या है उसको काम नहीं मिला मान लीजिए ठीक है उसको काम नहीं मिला तो क्या करेगा घर में ही बैठा रहेगा वहाँ पर खेत व ज़मीन वगैरह तो है नहीं कि वो कृषि करके अपना मतलब पालन पोषण कर लेगा ठीक है अपने परिवार का पालन पोषण कर लेगा ऐसा नहीं है वहाँ पर अगर काम मिला तो ठीक और काम नहीं मिला तो समझिए कि एकदम मतलब बहुत ही दुर्दशा हो गई तो और गांव में क्या है गांव में क्या है कि गांव में मान लीजिए आपको काम नहीं मिला कहीं पर तो अपना ज़मीन है भाई गांव में तो सबका ज़मीन होता है अपना ज़मीन है भाई खेती करो आराम से अपना पालन पोषण करो भले ही पैसे मिले या ना मिले ठीक है कम से कम पेट तो भरेगा तो इस तरह से गांव में गरीबों की दूर, मतलब अवस्था स्थिति तो थोड़ी अच्छी भी होती है लेकिन शहरी में शहरों में जो गरीब लोग होते हैं उनकी और भी मतलब एकदम दुर्दशा खराब हो जाती है तो यह तर, इस तरह से शहरीकरण का मतलब एक तरह से समस्या भी है इस रूप में शहरीकरण अगला है पर्यावरण समस्या पर्यावरण समस्या क्या कह रहे शहरी केंद्रों में जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने और औद्योगिकरण के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन की कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ठीक है थीके? महानगरों और शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों और औद्योगिक संस्थानों द्वारा निकला विशैला रसायन है शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण वाहन ज़्यादा चल रहे हैं तो क्या होगा वाहन से जो निकलते हैं जो गैस वगैरह खतरनाक गैस वो सभी क्या होंगे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब उससे क्या हो रहा है पर्यावरण भी प्रदूषण हो रहा है ठीक है अगला टॉपिक है पॉइंट है नृजातीय ठीक है नृजातीय विविधता और सामुदायिक एकीकरण की समस्या शहर की सामाजिक संरचना ऐसी होती है कि लोगों के एकीकृत होने की समस्या सदैव विद्यमान रहती है अगला है आर्थिक असमानता भारतीय शहरों में आर्थिक असमानता विकसित देशों की तुलना में अधिक है महानगरों पर खर्च की गई आय ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है इस आर्थिक अंतर के परिणामस्वरूप ग्रामीण शहरों की ओर आकर्षित होते हैं मतलब जो है शहरों में जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं जैसे मान लीजिए गांव में किसी को आ, आवास मिला ठीक है सरकारी योजना से आवास मिला तो उसको कितना मिलता है लगभग दो लाख के आसपास ठीक है अब पहले तो एक लाख मिलता था अब दो लाख मिलता है ठीक है तो दो लाख मिलता है और शहर में अगर किसी को आवास मिलता है तो उसको चार लाख मिलता है उसको कितना मिलता है चार लाख ठीक है तो क्योंकि शहर में खर्चा ज़्यादा है तो वहाँ पर सरकारी योजना में ज़्यादा पैसा मिलता है और गाँव में खर्चा कम है तो गाँव में कम पैसा मिलता है तो इस तरह से लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होते जा रहे हैं कि चलो वहाँ पर जाएंगे तो कम से कम चार लाख मिलेगा अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं अगला पॉइंट जना असंतुलन की, की समस्या भारत में पश्चिमी देशों की तुलना में शहर प्रवास की प्रवृत्ति पुरुषों में ज्यादा है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक पुरुष जनसंख्या में कमी आ रही है जो खेती करते हैं पुरुष उनकी जनसंख्या में कमी आ रही है अगला अब टॉपिक जानते हैं अगला टॉपिक तो क्या है शहरीकरण का प्रभाव ठीक है शहरीकरण का प्रभाव क्या पड़ रहा है तो शहरीकरण की प्रक्रिया के चलते आज संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदल रहे हैं एक तो ये है पहले जो है जिसको ग्रुप फैमिली कहते हैं ठीक है जॉइंट फैमिली तो उससे क्या हो रहा है अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली बन रहा है मतलब एक एकांकी परिवार बन रहा है जैसे पहले पूरे परिवार साथ में रहते थे अब एक अलग अलग रहते हैं शहर में जाकर के परिवार का आकार सिकुड़ रहा है तथा नातेदारी संबंध कमजोर हो रहे हैं अगला है शहरीकरण ने जाति व्यवस्था पर भी प्रभाव डाला है वर्तमान में जातीयता के प्रति कटुता में कमी आई है अगला पॉइंट है शहरीकरण ने धार्मिक क्षेत्र पर भी प्रहार किया है ध्यान देने वाली बात यह है कि शहरों में लोगों की धर्म से आस्था होती है लेकिन वे धर्म के नाम पर आडंबर पर विश्वास नहीं करते अगला है शहरीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं की सामाजिक शैक्षिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव किया है महिलाओं की परिस्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक ऊंची है अगला टॉपिक है शहरीकरण की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सॉरी प्रयास तो इसको भी पॉइंट पॉइंट बाय हम लोग जानते हैं सरकार द्वारा शहरों के ठीक प्रकार से नियोजन के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की अवधारणा को अपनाया गया है केंद्र सरकार ने मेट्रो मोनोरेल और बस रैपिड ट्रांजिट जैसे बड़े सार्वजनिक परिवहन गलियारों के पास बसने को बढ़ावा देने के लिए एक नीति तैयार की गई है जिसका उद्देश्य शहरीकरण की चुनौतियों का निदान करना है देश के आधे से अधिक लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है इसलिए यह कल्पना करना बेमानी होगा कि गाँव के विकास के बिना देश का विकास किया जा सकता है ग्रामीण विकास के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि आवास और बुनियादी सुविधाएं आर्थिक विकास के मुख्य वाहक हैं अगला है पर, अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी के अंतर्गत अभिनव एवं आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी सब मिशन भी शुरू किया गया है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शहरों का कायाकल्प करने का प्रयास किया जा रहा है अगला एक पॉइंट पच क्या है कायाकल्प और शहरी शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन यानी अमृत योजना के अंतर्गत शहरों की अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है ठीक है अगला टॉपिक है शहर शहरीकरण का महत्व शहरीकरण का महत्व क्या है किस तरह से महत्वपूर्ण है एक ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं हम लोग जिसमें पहला पॉइंट है कि विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की चौवन प्रतिशत से अधिक आबादी जब शहरी क्षेत्रों में निवास करती है ये आबादी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में अस्सी प्रतिशत योगदान करती है और दो तिहाई वैश्विक ऊर्जा का उपभोग करती है साथ ही सत्तर परसेंट ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार है मतलब जो चौवन प्रतिशत से अधिक आबादी है जो शहरों में निवास करती है ये लोग ये लोग का जो है सकल घरेलू उत्पाद अस्सी परसेंट में योगदान भी करती है ठीक है सकल घरेलू उत्पाद में लेकिन इससे सत्तर परसेंट ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए भी ये लोग जिम्मेदार हैं मतलब इससे जो है हालांकि अर्थव्यवस्था में फ़ायदा भी हो रहा है लेकिन उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि उससे ग्रीन हाउस गैस काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं अगला पॉइंट है शहरीकरण के कारण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है फिर अगला है शहरीकरण और शिक्षा के विकास के कारण जाति प्रथा जैसी व्यवस्थाएं अब ध्वस्त हो रही हैं एक तो ये अच्छा है अगला है प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के चलते लोगों रहन सहन का स्तर बेहतर होता है अगला है उत्पादकता को बढ़ाता है और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है जैसे कोई उद्योग बना तो कोई उद्योग बना तो उसमें तो मजदूरों मजदूर चाहिए तो मजदूर चाहिए तो उसके लिए क्या है मजदूरों को वहाँ पर रोज़गार मिला जिससे रोजगार का सृजन हुआ अब आगे की राह एक जो है टॉपिक और है आगे की राह मतलब आगे और क्या करना चाहिए वो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है तो शहरी क्षेत्रों का सतत संतुलित एवं समेकित विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकता और शहरी विकास का एक केंद्रीय विषय है जिस तरीके से देश में शहरीकरण की प्रक्रिया का प्रबंधन होगा उसी से यह निर्धारित होगा कि किस सीमा तक शहरी अवस्थान्तर का लाभ उठाया जा सकता है अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के साथ साथ पलायन को कम करने के लिए ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था का विविधीकरण ठीक है डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है इस मामले में मनरेगा ने गांवों से शहरों की ओर पलायन कम करने में अहम भूमिका निभाई है अगला पॉइंट है पूरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जैसे कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास पर जोर देना होगा अगला पॉइंट है पर्यावरणीय रूप से धारणीय शहरीकरण का बेहतर प्रबंधन ग्रीन पैचेज का विकास आर्द्रभूमि उचित अपशिष्ट प्रबंधन करने का प्रयास करना चाहिए तो यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से सब कुछ पता चला होगा और अगर और कोई आपके पास कोई प्रश्न है तो उस वो जो कमेंट में आप कर सकते हैं वहाँ से मैं आपको और उत्तर बता सकता हूँ ठीक है तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मिलते हैं आप अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ